मैं मेरी मेरे जॉब को निकाल दिया जाएगा, मेरे मेरे ऊपर कुछ ऐसे तो संकट नहीं आएगा ना, उसे वो कोई मार तो नहीं देगा ना, क्योंकि उस समय लगड़े लड़ाई झगड़े ये सब थे और ये देश प्रेमी था, ये सबको पता था। तब गोपीनाथ कवराज जी ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि जो विजय दुर्गा मंदिर या विजय दुर्गा की जहाँ स्थापना परशुराम जी ने की है, वहाँ तीन संध्याओं में उनका स्तोत्र या उनकी आराधना जो करता है, वो श्रेष्ठता के साथ अपने इस समस्या से जूझ से बाहर आ जाता है। वैसे ही उन्होंने गोपीनाथ कवराज जी ने ऐसे कम से कम 11 लोगों के अपने अनुभव बताए जो मृत्यु भय से डरते हैं, जो अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जैसा भी मार्ग हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो या नौकरी जा रही हो या बच्चों को नौकरी नहीं लग रही हो, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही हो और उनको किसी कार्य में विजय प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उन्होंने यहाँ भेज कर कहा है कि विशुद्धानंद जी का दिया हुआ जो मंत्र है और जो यंत्र है उसकी पूजा करके उन्होंने उस भय से मुक्ति पाकर वो जीवन भर के लिए अपने अपने जाप को या अपनी लक्ष्मी प्राप्ति को या अपनी विजय प्राप्ति को उन्होंने श्रेष्ठता के साथ पूर्ण किया। ऐसे ही एक वकील थे जिनको अपने भारत के एक स्वतंत्र सेनानी को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी थी और फांसी की सजा सुनाने के बाद उस वकील ने आकर विशुद्धानंद से कहा था कि ऐसे मैं जिसको प्रेम करता हूँ उसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था, तो अब तो उसको बचाने की कोई ये नहीं है, मैं वकील रह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप कुछ मार्ग हो, आध्यात्मिक मार्ग हो तो मुझे बता देना। विशुद्धानंद जी थोड़ी देर विचार करते रहे और बाद में उन्होंने कहा, हे वकील, मैं कहता हूँ कि परशुराम जी का जो क्षेत्र है जहाँ विजय दुर्गा माता का मंदिर है, तू एक बार वहाँ जाकर आ और ये विशुद्धानंद जी का परशुराम जी का दिया हुआ मंत्र और यंत्र है, इसको तीन संध्याओं में, कोई भी तीन संध्याओं में तू इसका मंत्र जप कर, मैं तुझे कहता हूँ कि शायद वो बच जाए। हुआ ये कि वो वकील आए और अपने जिस स्वतंत्रता सेनानी को मार देने की फांसी की सजा सुनाई थी वो वहाँ यहाँ आकर पूजा करने के लिए बैठ गए। तीन दिन हो गए और यहाँ से वापस जब गए तो कहते हैं कि जिस जज ने उनके विरुद्ध फांसी की सजा सुनाई थी उसके खिलाफ ही इंग्लैंड में केस हुआ और वो जज को निकाल दिया गया कि उसके सारे जजमेंट खारिज कर दो और ये बच गया। तो ऐसी ऐसी चमत्कारिक कथाएं इस विजय दुर्गा माता के साधना के बारे में कहा गया है कि यहाँ महालक्ष्मी की अवकृपा जिसके जीवन में है, कुछ भी मेहनत करने पर कुछ नहीं मिलता और हम बहुत दौर्जन्य करने वाले, यानी अन्याय से अपने पास अपनी प्रॉपर्टी खींच लेने वाले, अन्याय से अपने में झगड़ा होने वाले, ऐसे जो लोग जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, विजय दुर्गा का यह जो स्थान है वह उस अन्याय को रोककर उसको न्याय दिलाता है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत विशेष बात एक मैं कहने से रह रहा हूँ कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो गौड़देश यानी अपने बंगाल से आए हुए हैं, उनको परशुराम जी ने यहाँ लाकर उन ब्राह्मणों की स्थापना, दूसरे ब्राह्मण इनसे आने के लिए नहीं आए तो गौड़ के ब्राह्मण को बंगाल से ब्राह्मणों को लाकर यहाँ उन्होंने दुर्गा स्थापना की, उनको पूजा अर्चना में पुरोहित के रूप में स्थापन किया। और इसमें नर्मदा नदी के किनारे कार्तिवीर्यन का है वंश का महिष्मती नगर था और आज हम भी सुनते हैं कि शंकराचार्य जी के गुरु जो गोपाल गोविंदाचार्य जी थे, गोपाल थे और गोविंदाचार्य जी तो नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर की गुफा में रहते थे और शंकराचार्य जी को उन्होंने ही दीक्षा दी थी। एक बार कहते हैं कि शंकराचार्य जी के पास गए, उन्होंने गोपाल गोविंदाचार्य परम पूज्य गोपाल जी ने उन्होंने शंकराचार्य को दीक्षा देने के लिए तीन दिन खड़े रहने के लिए कहा, बाहर गुफा के बाहर खड़े रहे और वो दीक्षा नहीं दिए। तीन दिनों के बाद जब वो बहुत ही थक गए तब उनके गुरु ने उनको बुलाकर दीक्षा दी। वो दीक्षा लेकर बहुत थक गए थे, जाने लगे तो उनके गुरु ने उनको कहा, जीवन में तेरे को समस्याएं बहुत आएगी, मैं तुझे एक बात कहता हूँ तू इन समस्याओं से जूझने के लिए, तो उन्हें अब जैसा हमारे भी थोड़े शिष्य हैं, आप हैं ना गुरु जी, आपको हमारे क्या करें, ऐसा बोल उन्होंने भी यही बात कही, आप हैं ना गुरु जी, मुझे क्या संकट आएगा और संकट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हुआ ये कि शंकराचार्य जी को एक जब उनकी
परमाचार्य या आचार्य के रूप में उनका उनकी बहुत चर्चा चल रही थी, तो एक कापालिक ने उन्हें वशीकरण कर लिया और कहा कि ये शंकर अपने आप को शंकर का अंश बताता है, अपने आप को शंकर जी का अंश और शंकराचार्य कहलाता है, इसको तो आज मैं चखा मजा चखाता हूँ कि यह अपने आप को शंकराचार्य कैसे। उन्होंने कापालिक के कापालिक गया और बोला तू अपने आप को शंकराचार्य कहता है? हमने कहा नहीं, मुझे लोग कहते हैं, मेरा नाम तो शंकर ही आचार्य वो लोग कहते हैं। हमने कहा तेरा बहुत प्रचार इस संसार, तेरे में शक्ति है तो आज तू रात में मेरे पास आ जा, मेरा जो कापालिक का मुहूर्त है, कापालिक का मेरी गुफा है, तू वहाँ आ जा, तेरे में शक्ति है तो मैं बता देता हूँ तू श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ है। शंकराचार्य बोले मैं श्रेष्ठ नहीं, तू ही श्रेष्ठ है, काहे को तेरे साथ झगड़ा, मेरे को क्या करने का है, मैं नहीं आता हूँ। अब वो कापालिक को लगा कि अब ये नहीं आएगा तो इसको जीतेंगे कैसा। उस कापालिक ने शंकराचार्य जी को देखा तो वो तो शंकर का अंश है कहते हैं, इसके ऊपर तो कुछ असर तो नहीं होगा। कापालिक ने उनके गुरु की कसम डालकर शंकराचार्य जी को वशीकरण कर लिया। शंकराचार्य जी को वशीकरण करते हुए कहा कि आज रात में तू 12 बजे मेरे गुफा को आ ही रहा है, ऐसा उसने शंकराचार्य जी को कह दिया कापालिक ने। शंकराचार्य उस समय एकदम, आप कहते हैं कि वशीकरण है क्या, वशीकरण है करने वाले अगर श्रेष्ठ हो तो, मंत्र में श्रेष्ठता हो तो है, तो शंकराचार्य जैसे आदमी को अगर वशीकरण हो सकता है तो हम तो किस खेल की मूली है, ये अघोरी हो, ये लोगों को आता ही वो है। और उन्होंने शंकराचार्य को 3 बार कहा कि तू आज रात में 12 बजे मेरे पास आ रहा है, आज रात में 12 बजे मेरे पास आ रहा है, आज रात में 12 बजे मेरे पास आ रहा है। शंकराचार्य जी उनको से कुछ नहीं बोले, वो आए और आकर अपने 5 शिष्यों के साथ सो गए। सभी शिष्य बैठे थे, सभी शिष्य देख रहे थे क्या हो रहा है। हुआ ये कि जैसे ही रात के 12 बजे शंकराचार्य ऑटोमेटिक एक गुड़िया के भांति, एक फिल्म के इसके भांति रात में ऑटोमेटिक उठे और उनको गुफा भी नहीं मालूम थी, लेकिन चलते हुए गुफा की ओर चले गए जिधर कापालिक रहता था, चले जाने लगे। शिष्य बाजू में सोए हुए थे, उसमें से एक शिष्य श्रेष्ठ था, पद्मपाद नाम का एक शिष्य श्रेष्ठ था, उसने देखा इतनी रात में आचार्य जा रहे जा कहाँ रहे, और किसी को उठा के बोलते तो जाते कि मैं यहाँ जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ। तो वो जैसा ही चले जा रहे थे, वो किसी धुन में चले जा रहे थे, शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व को उस कापालिक ने वशीकरण करते हुए उनको वहाँ बुला लिया था। और वो चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, और कापालिक जोर जोर से अट्टहास करते हुए हंस रहा था। तब पद्मपाद नाम के वो शिष्य देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उनके पीछे पीछा पीछा किया। शंकराचार्य जी उस कापालिक के पास पहुँचे तो उसने कहा अपने आप को शंकर का अंश बतलाता है, शंकराचार्य है, आ यहाँ तेरा सर रख दे, अभी तेरी बलि चढ़ाता हूँ भैरव को। ऐसा उन्होंने कहा, शंकराचार्य की बलि चढ़ाएं कैसे? कापालिक की उस दुष्टता को देखकर यह बाद में जो शिष्य था पीछे आकर देखने लगा, अरे ये तो मेरे आचार्य को मेरे गुरु को बलि देने वाला है, अब कैसे हूँ? तब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, किसको बुझूं? तब उन्होंने शंकराचार्य के गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि कुछ करो, अब इस कापालिक को कापालिक से हम तो आगे आने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर्वेश्वर अवतार में, शंकर अवतार में शंकराचार्य को अष्टम खंडवीरण नाम के एक नरसिंह हैं, वही कापालिक का वध कर सकते हैं। तुम एक बात करो, तुम नरसिंह कराओ, नरसिंह को स्तुति करके तुम्हारे पर आह्वान करो, और आज भी लक्ष्मण नरसिंह करावलंबन नाम का एक स्तोत्र है, उस पद्मपाद ऋषि ने उस स्तोत्र का आह्वान किया और जैसे ही आह्वान करते हुए आए उनके ऊपर नरसिंह भगवान आ गए और उन्होंने कापालिक के ऊपर उड़ के कहते हैं कि उसको पूरी तरह से उसका पेट चीर दिया जैसा है नरसिंह स्वामी ने किया। तब वे आए और उनको उस वशीकरण से फिर नरसिंह मंत्र से ही शंकराचार्य जी को उठाया। शंकराचार्य जी को उठाकर कहा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? तो शंकराचार्य जी कहे मैं यहाँ आया कैसे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप अगर ऐसा कहेंगे तो समाज का क्या होगा, कैसे होगा, समाज क्या सोचेगा? आप अगर एक कापालिक के आकर्षण में आ जाते हैं, रात में उठ के आते हैं, तो साधारण लोगों का क्या होना चाहिए, इसका क्या है? शंकराचार्य भी भ्रमित हो गए और कहने लगे ये हुआ कैसे, इसका क्या करना चाहिए? तब शंकराचार्य ने अपने गुरु का आह्वान किया और कहा कि प्रभु अगर ऐसा हो तो मैं कार्य ही नहीं कर सकता, कोई अन्य मतस्थ मुझे वशीकरण कर ले,
कोई अन्य मुझसे मन वाला मुझे अगर ऐसा ही करे तो मैं मेरे मत का प्रचार कैसे कर सकूंगा, मैं शक्तिहीन रहूंगा, मुझे शक्ति चाहिए, इसके लिए कुछ करो।